हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण, और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी आप हमारे पीछे भूली भुटियारी का महल देख सकते हैं, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब हम लोग यहाँ से सीधे निकोलसन सिमेट्री के लिए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन के पास में है। ये भी एक हॉन्टेड प्लेस है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 से बाहर आए हैं। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के 3 लाइंस रेड, येलो और वायलेट आकर मिलते हैं। यहीं पर पास में ही अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस भी है। गेट नंबर 4 से महज 50 मीटर की दूरी पर ही निकोलसन सिमेट्री है, और अभी हम निकोलसन सिमेट्री के पास पहुँच चुके हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, यह एक क्रिश्चियन सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान है, और इसका देखरेख दिल्ली सिमेट्री कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस सिमेट्री को 1857 में बनाया गया था, और ये दिल्ली NCR के पुराने क्रिश्चियन सिमेट्रीज में से एक है। अभी हम अंदर आ चुके हैं, और सबसे पहले हम जॉन निकोलसन के ग्रेव को देखने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द ग्रेव ऑफ ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन। इनकी मृत्यु 1857 की क्रांति में 23 सितंबर 1857 को 35 साल की उम्र में हुआ था। ये रही जॉन निकोलसन की कब्र। इन्हीं के नाम पर इस सिमेट्री का नाम रखा गया है। ये एकमात्र ऐसा कब्र है जिसके चारों तरफ फेंसिंग की हुई है। कब्र पे जो व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, उसे लाल किले से लाया गया था। इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास बहुत सारे कब्रें हैं, लेकिन उन पर झाड़ियां वगैरह आ गई है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। ये सिमेट्री जो है वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ कब्रें और कब्रें दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ ढेर सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से जुड़ी एक हॉरर स्टोरी बहुत ही प्रचलित है, लेकिन उसे बताने से पहले हम बताते हैं कि निकोलसन कौन था, और ये बातें हम अंदर चलते चलते करते हैं। अठारह सौ संतावन की क्रांति के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। वो 10 मई 1857 में मेरठ में शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ये भारत के कई अन्य भागों में भी फैल गया। जॉन निकोलसन उस समय ब्रिटिश आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर था। जब क्रांति की लहर दिल्ली तक पहुंची, तो निकोलसन उसे रोकने में लग गया। ऐसे में होता क्या है कि 14 सितंबर 1857 में एक सिपाही ने निकोलसन के सीने में गोली मार दी थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद निकोलसन की मृत्यु 23 सितंबर 1857 में हो गई थी। उसी समय इस सिमेट्री को शुरू किया गया। निकोलसन उन पहले कुछ लोगों में था जिसे यहां दफनाया गया था। इस तरफ थोड़ी पुरानी कब्रें हैं, और ज्यादातर की स्थिति थोड़ी खराब है। ये कब्र 1929 की है, ये भी 1929 की कब्र है। और ये छोटे छोटे ढेर सारे कब्रें हैं। अब बात करते हैं यहाँ से जुड़ी हॉरर स्टोरी के बारे में। काफी लोग कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, और उन्होंने यहाँ पर जॉन निकोलसन के सर कटे भूत को कई बार रातों में देखा है। मेरे हिसाब से तो वैसे स्थान जो थोड़ी वीरान होती है और जहाँ कम मात्रा में लोग आते हैं, उस जगह के बारे में तो ऐसी कहानियाँ बनने ही लगती है। और इस जगह पर वैसे भी ढेर सारे कब्रें ही कब्रें हैं। हमने भी ये कहानी जब सुना, तो इसी कहानी ने हमें इस जगह पर आने को कंपेल किया।
इस तरफ के एरिया में थोड़े नए कब्रें हैं। मृतजनों के परिजन अपने हिसाब से उनकी यादों को संजोने के लिए उनकी कब्रों पर उनके लिए मैसेज वगैरह भी लिखते हैं। ये देखिए चारों तरफ ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं, और ये प्लेस जो है वो कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में ही है। 4 नंबर गेट से जैसे ही हम निकलते हैं वैसे ही निकोलसन सिमेट्री दिख जाता है, और शहर के बीचों बीच ऐसे बिजी एरिया में इस तरह के हॉन्टेड प्लेस का होना बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है। लेकिन इसके किस्से कहानियाँ जो हैं, जो हमने अभी आपको बताया भी इस वीडियो में, वो आम लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए हैं। हम लोग तो दिन के समय में यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन रात के समय पे यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट रहता होगा हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, और हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे आए। इस सिमेट्री के अंदर काफी सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। इसके बगल से ही मेट्रो लाइन गई हुई है और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तो इसके बगल में ही है। बहुत ही बीजी प्लेस के बीचों बीच बना हुआ यह सिमेट्री है। यहाँ पर अंदर हमें तो लोग दिखे, उनसे जब हमने हॉन्टेड घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। तो इस बात में, मतलब इस हॉन्टेड स्टोरी में कितनी सच्चाई है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। इस तरह के प्लेसेस में अभी तक हम लोगों ने भोली भटियारी का महल और निकोलसन सिमेट्री मीन्स हॉन्टेड प्लेसेस हमने दो कवर कर लिए हैं। अब हम लोग दिल्ली में कुछ और प्लेसेस को कवर करेंगे, किसी और तरह के, जैसे कि मार्केट हो गए, पार्क हो गए, तो इस तरह के प्लेसेस को हम अगले वीडियो से दिखाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।